हेलो स्टूडेंट्स, मैं पवन जंगिड़। आज के वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे वैदिक मैथ के कुछ सूत्र। तो पहला जो हमारा सूत्र था बीजगणित, जो है बीजगणित को हम सॉल्व करने के लिए जो हमने वैदिक गणित में हमने जो सूत्र पढ़े थे उसमें जो पहला सूत्र था वो था सूत्र प्रावट्य योजित, और उसके हमने चार अनुप्रयोग पढ़े थे। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे सूत्र शून्यम समुच्चय के द्वारा बीजगणित के इक्वेशन को हम कैसे सॉल्व करते हैं, समीकरणों को हम कैसे हल करेंगे। तो इसके कितने एप्लीकेशन होते हैं? 6 एप्लीकेशन होते हैं इसके, 6 अनुप्रयोग होते हैं, तो उसको हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो जिसका फर्स्ट एप्लीकेशन है वो देखिए, प्रथम अनुप्रयोग या फर्स्ट एप्लीकेशन, प्रथम अनुप्रयोग देखिए आप। अब इसमें क्या करना है हमें, प्रथम अनुप्रयोग क्या है कि हमें कोई भी समीकरण ऐसा दिया हुआ है, कोई भी इक्वेशन ऐसी हो कि जिसमें सार्व गुणनखंड दोनों तरफ क्या हो, समान, इक्वल के दोनों तरफ सार्व गुणनखंड क्या हो, समान। जैसे मैं आपको एक उदाहरण दे देता हूं, 4x प्लस 3x, 2x प्लस 5x, या यहां पर करो 3x प्लस 5x। ये हमारे पास कोई, हम कोई एग्जाम्पल ले रहे हैं, कोई समीकरण है। अब यहां पर देखिए आप, x देखो सार्व गुणनखंड, यहां भी x है, यहां भी x है, यहां भी x है, यहां भी x है। अगर हम यहां पर x कॉमन ले, कॉमन का मतलब सार्व गुणनखंड, अगर यहां से हम x कॉमन ले तो इजीली x कॉमन आ जाएगा 4 प्लस 3। ये आपको करना नहीं है, वो मैं समझा रहा हूं आपको। यहां पर भी हम क्या कॉमन लेंगे, x कॉमन लेंगे। तो x कॉमन लेने के बाद में यहां क्या बच रहा है, 3 प्लस 5। तो दोनों के अंदर जो सार्व गुणनखंड है वो क्या आ रहा है, समान। दोनों का ही सार्व गुणनखंड क्या आ रहा है, x। तो ऐसी कंडीशन में जब हमारे पास दोनों तरफ सार्व गुणनखंड क्या आ जाए, समान, तब हमें क्या करना है कि जो इसका जो चर है उसको अपने को जीरो के बराबर लिख देना है, यानी x इज इक्वल क्या हो जाएगा यहां पर, जीरो। समझ गए, जो सार्व गुणनखंड है ना उसको अपन जीरो के बराबर लिख देंगे। अगर हमारे पास सार्व गुणनखंड क्या आ रहा है, दोनों तरफ समान आ रहा है, तो हम सार्व गुणनखंड को जीरो के बराबर लिख देंगे। अब देखो, एक मैं इसको दूसरे तरीके से बताता हूं। अगर देखो आप x का जीरो लिखोगे तभी तो ये सेटिस्फाई हो पाएगा। अगर आप x की जगह जीरो नहीं लिखते हो और कुछ लिखोगे तो 4 और 3 7 बराबर 5 और 3 8। अगर मान लो x की जगह आपने 1 लिया तो इधर भी 1 लोगे, तो गुणा 1 गुणा 1, तो 7 एकम 7 बराबर 8। क्या ये सेटिस्फाई हो रहा है, क्या ये संतुष्ट हो रहा है, दोनों तरफ बराबर थोड़ी आ रहे हैं। तो बराबर किस कंडीशन में आएंगे, अगर हम इसको जीरो रख देंगे तभी जीरो आएगा। जब जीरो रख देंगे तो ये पूरा ही क्या हो जाएगा, जीरो, दोनों तरफ जीरो आ जाएगा। आपको इतनी गहराई तक जाने की जरूरत नहीं है, अभी आपको इतना ही समझना है कि अगर सार्व गुणनखंड समान हो तो वो सार्व गुणनखंड को अपने को जीरो के बराबर लिख देना है। प्रथम अनुप्रयोग सार्व गुणनखंड समान, सार्व गुणनखंड समान होता, ठीक है। तो यहां पे सार्व गुणनखंड x था तो हमने x को जीरो के इक्वल लिख दिया। लेकिन मान लो आपके पास इस टाइप से कोई क्वेश्चन आ जाए कि 3x + 1 + 2x + 1 = 1 x + 1 + 2x + 1। यहां पर जो हमारे पास ये दे रखा है आपको समीकरण, यहां पे देखिए दोनों तरफ, यहां भी x प्लस वन है, यहां भी x प्लस वन है, यहां भी x प्लस वन, यहां भी x प्लस वन। तो इसका जो सार्व गुणनखंड है वो क्या आ रहा है, x प्लस वन। यहां पर तो क्या आ रहा था, कॉमन, कॉमन क्या आ रहा था यहां पे, x। देखो x सभी में था इसलिए वो क्या हो गया, कॉमन फैक्टर, सार्व गुणनखंड हो गया। यहां पे सब में क्या आ रहा है, x प्लस वन, देखो सब में कॉमन आ रहा है तो ये क्या हो गया, कॉमन फैक्टर। तो सार्व गुणनखंड को अपने को जीरो के बराबर लिखना है, तो सार्व गुणनखंड है x प्लस वन, तो इसको अपन जीरो के बराबर लिखेंगे। ऐसे नहीं है कि अगर यहां भी आपके पास कॉमन आ रहे हैं सारे, x प्लस वन कॉमन आ रहा है, कि सार्व गुणनखंड समान होता है, x इज इक्वल जीरो, ऐसा नहीं। अगर सार्व गुणनखंड समान है तो उस सार्व गुणनखंड जो आ रहा है, जो कॉमन फैक्टर आ रहा है, उसी को अपने को जीरो के बराबर लिखना है, यानी एक्स प्लस वन इज इक्वल जीरो। तो वन को जब अपन ट्रांसप्लेस करेंगे या पक्षांतरण करेंगे तो एक्स का मान क्या आ जाएगा, -1, ठीक है।
तो ये तो हो गया प्रथम अनुप्रयोग। अब आओ आप सेकंड अनुप्रयोग हम देखते हैं, जिसका दूसरा अनुप्रयोग है द्वितीय अनुप्रयोग, सेकंड एप्लीकेशन। अब देखो द्वितीय अनुप्रयोग क्या है, द्वितीय अनुप्रयोग में क्या है कि स्वतंत्र पद, ठीक है, बराबर के दोनों तरफ जो स्वतंत्र पद हैं वो क्या हो, समान। तो हम लिखेंगे स्वतंत्र पद समान हो, स्वतंत्र पद समान। तो स्वतंत्र पद समान, अब स्वतंत्र पद का मतलब क्या है, देखो इसको मैं लिख देता हूं कांस्टेंट, कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म, या आप इसको अचर पद, कांस्टेंट को क्या बोलते हैं, अचर पद। तो देखिए मैं इसका एक ले रहा हूं, इसका द्वितीय अनुप्रयोग सेकंड एप्लीकेशन का एक मैं एग्जांपल ले रहा हूं। देखिए मैंने लिखा है यहां पे 3x प्लस 2 मल्टीप्लाई 2x प्लस 3 प्लस 4, यहां ले लो 3x प्लस 10। ये हमारे पास कोई क्वेश्चन है, कोई भी मान लो क्वेश्चन। तो देखो आप यहां पर स्वतंत्र पद यानी कांस्टेंट टर्म दोनों तरफ क्या हो, समान, कांस्टेंट स्वतंत्र पद, ठीक है, दोनों तरफ क्या हो, समान। तो देखो स्वतंत्र पद कांस्टेंट टर्म क्या है यहां पर 10, अचर पद क्या है 10 ही है ना, अचर पद, अचर पद वही होता है जो काउंटिंग वाले नंबर होते हैं, जो गिनती वाले होते हैं वो क्या होता है, अचर पद। तो यहां पर 10 है तो इधर भी क्या आना चाहिए, 10 ही आना चाहिए। देखो एक तो आ रहा है 4, अब देखो ये दोनों कोष्टक आपस में क्या हो रहे हैं, गुणा, दोनों कोष्टक आपस में गुणा हो रहे हैं। तो गुणा हमने करना 8वीं क्लास से सीख लिया है कि किस प्रकार से, हम 8th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं कि पहले इसका एक लेंगे इस दोनों से गुणा करेंगे, फिर एक लेंगे दोनों से गुणा करेंगे। तो इसका जो अचर पद है इसको इसके अचर पद से गुणा करो, क्योंकि गुणा ही होगा, एक टर्म ऐसी आएगी जिसमें एक पद, अचर पद इससे गुणा होगा। तो 2 3 6 6 प्लस 4 कितना आ गया 10, और उधर भी क्या है 10, स्वतंत्र पद क्या है दोनों तरफ समान। जब स्वतंत्र पद दोनों तरफ क्या हो, समान, तब क्या हो जाएगा x इज इक्वल जीरो, तब आपकी वैल्यू, आपका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, x इज इक्वल जीरो ही आएगा, चाहे यहां पे कुछ भी लिखा हुआ हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपका कॉन्स्टेंट टर्म क्या आ गया, समान आ गया, अचर पद समान आ गया, तो x इज इक्वल जीरो। एक एग्जाम्पल और ले रहे हैं अपन, जैसे मैंने लिखा है यहां पर 2x प्लस 3 प्लस 4 प्लस 2 इज इक्वल 3x प्लस 5, इसका कांस्टेंट टर्म क्या है 5, इधर का अचर पद क्या है, देखो 3 तो ये, अब ये गुणा नहीं हो रहा, जुड़ रहा है, ऐड हो रहा है, तो 3 और 2 5। आपको ऐसे नहीं कि पूरे को सॉल्व करके देखना है, आपको केवल अचर पद की बात हो रही है, स्वतंत्र पद की बात हो रही है, तो हमें उन्हीं को देखना है। यहां पर 5 है, यहां पर भी 5 है, दोनों क्या है, समान है। तो ये क्या हो गया x इज इक्वल जीरो, इसमें क्या मान आएगा x इज इक्वल जीरो, स्वतंत्र पद समान हो तब क्या होगा, मैं लिख देता हूं x इज इक्वल जीरो, इसका आंसर क्या होगा x इज इक्वल जीरो। अब तीसरा अनुप्रयोग इसका, ठीक है, तृतीय अनुप्रयोग, थर्ड एप्लीकेशन, थर्ड एप्लीकेशन ऑफ शून्यम समुच्चय। अब थर्ड एप्लीकेशन क्या है, देखिए थर्ड एप्लीकेशन में यह बोला जा रहा है कि बराबर इक्वल के एक तरफ, या आप, मैं इसको समझा रहा हूं कि अगर आपके पास इक्वल के एक तरफ दो भिन्न हो, दो भिन्न हो और दोनों के भिन्नों के, दोनों भिन्नों के अंश क्या हो, समान। देखो बराबर के एक तरफ क्या हो, दो भिन्न हो और दोनों भिन्नों के अंश क्या हो, समान, और इधर क्या हो, जीरो। कोई जरूरी नहीं मैंने यहां पर एक एक लिखा, यहां पर आप ए ए लिख लो, बी बी लिख लो, कुछ भी 9 लिखा तो इधर भी 9 लिखो, यानी दोनों भिन्न अगर बराबर के एक तरफ, इक्वल के एक तरफ, इक्वल के वन साइड में क्या हो, अंश समान हो, अंश समान हो दोनों तरफ, तो अपने को क्या करना है, जो हर है ना आपका, हर कुछ भी आएगा, जैसे मान लो x प्लस ए, और मैं लिख देता हूं यहां पे x प्लस बी, ठीक है,
तो भिन्नों के अंश समान है तो उनके हरों का अगर योग दे रखा है तो योग जीरो के बराबर होगा, योग दे रखा है तो योग, और अगर यहां माइनस दे रखा है तो माइनस। तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, एक्स प्लस ए प्लस एक्स प्लस बी बराबर जीरो। अगर अंश समान है तो उनके हरों का योग क्या होगा, जीरो के बराबर। अब इसका भी हम एक उदाहरण लेते हैं, देखो m अपॉन एक्स प्लस तीन प्लस एन एम अपॉन एक्स प्लस फोर इज इक्वल जीरो। यहां देखो दोनों के अंश समान है, बराबर के एक तरफ दोनों के अंश समान है, दोनों के न्यूमिरेटर सेम है, न्यूमिरेटर दोनों के सेम है, तो जो दोनों के डेनोमिनेटर है उनका सम क्या होगा, जीरो के इक्वल होगा। दोनों का डेनोमिनेटर का सम किसके इक्वल होगा, जीरो के इक्वल होगा। दोनों के हरों का योग किसके बराबर होगा, जीरो के बराबर। जैसे अभी बताया मैंने, अगर अंश समान होगा तो दोनों के हरों का योग जीरो के बराबर होगा। तो हम क्या लिखेंगे, देखो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो एक्स प्लस तीन, देखो यहां मैं इसको आगे कर रहा हूं, एक्स प्लस तीन प्लस एक्स प्लस चार इज इक्वल जीरो। एक्स और एक्स दो एक्स, एक्स और एक्स टू एक्स, चार और तीन सात प्लस सात बराबर जीरो। अब यहां से आप x की वैल्यू निकाल सकते हो, सात का जब पक्षांतरण करेंगे तो क्या हो जाएगा, दो एक्स बराबर माइनस सात, और x बराबर माइनस सात दो गुणा में है कहां चला जाएगा, भाग में, ये x का मान आ गया। तो जब इक्वल के एक तरफ अंश समान है तो हरों का योग क्या होगा, जीरो के बराबर होगा। ये है तृतीय अनुप्रयोग, ठीक है। आप इसका साथ साथ में नोटबुक में उतारते जाया करो, या आप वीडियो में भी आप बीच में क्या कर सकते हो, स्क्रीनशॉट लेके उसको राइट कर लिया करो, ठीक है। अब हम करते हैं इसका फोर्थ एप्लीकेशन। अब देखो मेरे को इसको इरेज करना होगा। अब फोर्थ एप्लीकेशन हम पढ़ेंगे, चौथा जो एप्लीकेशन है, चौथा जो अनुप्रयोग है वो क्या है, फोर्थ एप्लीकेशन वो क्या है कि अगर इक्वल के दो तरफ, इक्वल के दोनों तरफ अगर दो भिन्न हो, ठीक है, इक्वल के दोनों तरफ अगर क्या हो, दो भिन्न हो, भिन्न का मतलब दो फ्रैक्शन हो, दो फ्रैक्शन ऐसे, देखो मैं बना रहा हूं, दो फ्रैक्शन है, सिक्स अनुप्रयोग लिख देता हूं, सिक्स एप्लीकेशन, सिक्स एप्लीकेशन, ठीक है। इक्वल के दोनों तरफ अगर दो भिन्न है, ठीक है, और मैं दो भिन्न लिख रहा हूं, ऐसे दो भिन्न हैं और उनके अंश का योग, देखो बराबर के पूरा एक साथ आपको ऐड कर देना है, बराबर के दोनों तरफ ऐड करना है, अंश का योग और हर का योग अगर दोनों समान है तो किसी भी एक को जीरो के बराबर रख देना है। तीन एक्स प्लस दो, यहां पर हो गया आपका एक्स प्लस वन। अब आप जोड़ के देखो, देखो अंश का योग और हरों का योग क्या हो, समान। बराबर के दोनों तरफ, इक्वल के दोनों साइड अगर न्यूमिनेटर का सम, सम ऑफ न्यूमिनेटर एंड सम ऑफ डेनोमिनेटर आर इक्वल, अगर होते हैं, इक्वल होते हैं, अगर बराबर होते हैं तो किसी भी एक को आपको जीरो के बराबर लिख देना है। अगर अंश और हरों का योग सेम है तो आपको किसी भी एक को जीरो के बराबर लिख देना है। तो हम देखते हैं, 2x और 3x 5x, 3 एंड 2 5, मैं लिखता हूं सम ऑफ न्यूमेरेटर, न्यूमेरेटर सम ऑफ न्यूमेरेटर्स या अंश का योग, अंशों का योग, ठीक है। देखो 2x प्लस 5 आया, ऐसे हम हरों का योग करेंगे या डेनोमिनेटर का योग, हरों का योग करो, 4x और 1x 5x, 4 और 1 5। तो जब अंश और हर का योग समान हो, जब अंश और हर का योग समान हो तो किसी भी एक को जीरो के बराबर आप लिख दो और आपका आंसर आ जाएगा। देखो दोनों समान है तो किसी को भी लिखो, बात वही है, 5x बराबर माइनस 5 और x बराबर माइनस 5 गुणा में है 5 चला जाएगा भाग में, 5 में 5 का भाग देंगे आ गया माइनस 1।
ठीक है, पांच में पांच का भाग दिया माइनस एक, ये हो गया आपका सिक्स्थ, गलत लिख दिया हमने, ये है फोर्थ एप्लीकेशन, कौन सा है फोर्थ, चौथा अनुक्रिय हो गई, ठीक है। तो जब अंश और हरों का योग समान है तो किसी भी एक को अपने को जीरो के बराबर लिख देना है। अब है इसका ही, अब अपन लेते फिफ्थ एप्लीकेशन। फिफ्थ एप्लीकेशन, फिफ्थ एप्लीकेशन भी ये फोर्थ की तरह ही है तो कोई दिक्कत नहीं आएगी इसमें। फिफ्थ, पांचवा अनुप्रयोग, शून्यम समुच्चय का पांचवा अनुप्रयोग। इसमें भी वही, इक्वल के दोनों तरफ दो फ्रैक्शन आएंगे, दो भिन्न आएंगी, इक्वल के दोनों तरफ दो भिन्न होंगी, और उनमें उसमें क्या था, अंशों का और हरों का योग क्या हो, समान दोनों तरफ वाले। यहां पर अंश और हर का अंतर, यहां पे क्या चलेगा, अंश और हर का अंतर, अंश और हर का जो अंतर है वो अगर दोनों तरफ समान आ रहा है तो किसी भी एक को जीरो के बराबर लिख देंगे। देखो 2x प्लस 5, यहां पर हमने लिखा 4x प्लस 8, ठीक है। तो यहां पर हमें लिखना होगा x 3x प्लस 3, यहां पे हमने लिखा, देखो दोनों तरफ दो भिन्न आएंगी और दोनों के अंश और हरों का जो अंतर है, यहां पे क्या है, अंश व हर का अंतर, अंश व हर का अंतर। शॉर्ट यहां पे एक छोटा सा आपके लिए हिंट के रूप में लिख देता हूं ताकि आपको, अंश व हर का अंतर, उसमें क्या था, अंश व हरों का योग फोर्थ वाले में, अंतर, अंतर या तो ऊपर वाले में से नीचे वाले को माइनस करके देखो या नीचे ऊपर वाले में से नीचे वाले को, ठीक है। लेकिन इतना ध्यान रखना, अगर इसमें आपने ऊपर नीचे वाले में से हर में से अगर अंश को माइनस किया है तो इधर भी हर में से अंश को ही माइनस करना होगा, ठीक है। तो हम करते हैं, देखो 4x में से 2x को माइनस किया कितना आया 2x, ठीक है। 4x में से जब 2x को माइनस किया 2x आ गया, 4 में से 2 निकालेंगे तो 2 ही आएगा, 8 में से जब 5 माइनस करेंगे कितना आएगा 3। अब उधर देखो, देखे 3x में से 1x निकालेंगे कितना आएगा, 3 में से 1 निकालेंगे तो 2x, 5 में से जब 2 निकालेंगे कितना आएगा 3, 5 में से जब 2 माइनस करेंगे कितना आएगा 3। अब देखो दोनों तरफ क्या आ रहा है, समान, तो जब अंश व हरों का अंतर क्या आ जाता है, समान, तो इसमें भी किसी भी एक को आपको जीरो के बराबर लिख देना है। तो मैं लिखता हूं 2x प्लस 3 बराबर 0, तो 2x बराबर माइनस 3 और x बराबर, देखो 3 का पक्षांतरण किया माइनस 3, ट्रांसप्लेस करने पर जब 3 का जब हम ट्रांसप्लेस कर रहे हैं ये पॉजिटिव है, किसमें आ जाएगा नेगेटिव में, और ये 2 मल्टीप्लाई में कहां चला जाएगा डिवाइड में। तो ये हो गया आपका फिफ्थ एप्लीकेशन, जब अंश व हरों का अंतर समान हो तो उस अंतर, जो समान अंतर जो आपका आ रहा है उसको जीरो के बराबर लिख देना है। फोर्थ क्या था, अंशों और हरों का योग समान है, ठीक है। अब अपन लास्ट जो इसका एप्लीकेशन है वो करते हैं, सिक्स्थ एप्लीकेशन, छठवां अनुप्रयोग। अब छठवां जो अनुप्रयोग है वो तीसरे से रिलेटेड है, हमने तीसरा अनुप्रयोग पढ़ा था ना, बराबर के एक तरफ दो भिन्न आएगी और उनके अंश समान होंगे तो हरों का योग जीरो के बराबर होगा, ऐसा ही सिक्स वाला है। इसमें बराबर के एक तरफ ऐसे, उसमें क्या था, बराबर के एक तरफ दो अंश आएंगे, दो भिन्न आएंगे, दोनों का अंश समान होगा, हरों को जीरो के बराबर लिख देना। यहां पर बराबर के दोनों तरफ दो दो अंश आएंगे, बराबर के दोनों तरफ दो दो भिन्न आएंगी, इधर भी दो भिन्न, इधर भी दो भिन्न, यहां दो फ्रैक्शन, यहां भी दो फ्रैक्शन, और अगर सभी के क्या हो, न्यूमरेटर सेम हो, सभी के अंश समान हो तो क्या करेंगे, देखो मैं करता हूं यहां पर x प्लस ए, यहां पर लिखता हूं x प्लस बी, यहां पर x प्लस सी और x प्लस, अगर दोनों तरफ के अंश समान है, न्यूमरेटर सेम है, और डेनोमिनेटर का सम, इधर वाले डेनोमिनेटर का सम, लेफ्ट हैंड साइड के डेनोमिनेटर का सम एंड राइट हैंड साइड के डेनोमिनेटर का सम अगर सेम है तो किसी भी एक को जीरो के इक्वल आपको लिख देना है।
दोनों के हरों का योग, इधर वाले हर का योग और इधर वाले हर का योग दोनों अगर समान है तो जीरो के बराबर अपने को लिख देना है। तो हम किसी भी एक को जीरो के बराबर लिख देंगे, प्लस एक्स प्लस बी। अगर ये बराबर है किसके, इधर वाले सम के बराबर, तो किसी भी एक को आप जीरो के बराबर लिख सकते हो, एक्स प्लस ए प्लस एक्स प्लस बी इज इक्वल जीरो, ऐसे हो गया ये। ठीक है, इसका एक एग्जांपल लेते हैं हम। देखो मैंने लिखा है यहां पर 2 बटे x प्लस 2 प्लस 2 बटे, कोई जरूरी नहीं, अगर यहां माइनस आता है तो आपको सबको क्या करना है, फिर माइनस के हिसाब से करना है। यहां पर आपको करना है फिर x प्लस 1 इज इक्वल 2 अपॉन x, यहां पे हम करेंगे 5 x प्लस 4, और प्लस 2 अपॉन x प्लस 3। देखो दोनों तरफ के अंश समान है, हरों का योग करके देखो, इधर वाले हरों का योग और उधर वाले हर, सम ऑफ डेनोमिनेटर्स, इधर के सम डेनोमिनेटर्स का सम करना है, उधर के डेनोमिनेटर का सम क्या आना चाहिए, सेम। तो मैं इधर वालों का सम कर रहा हूं, एक्स एंड एक्स 2x, देखो बीच में सम है इसलिए सम कर रहे हैं। क्वेश्चन में अगर माइनस आ जाता है तो आपको फिर आगे वाले माइनस करने हैं, 2 और 5 7, 2 और 5 7, ये इधर वालों का आ गया। अब इधर वालों का भी करूं, एक्स और एक्स 2x, 4 और 3 7, तो किसी भी एक को आपको जीरो के बराबर लिख देना है क्योंकि दोनों सेम है, बराबर जीरो। तो 2x बराबर -7, और जो ये दो गुणा में है कहां चला जाएगा, भाग में, x बराबर -7/2। तो जब दोनों तरफ दो दो भिन्न आती हैं और दोनों के अंश समान हैं, दोनों तरफ के अंश समान हैं, तो एक तरफ के डेनोमिनेटर का सम दूसरे तरफ के डेनोमिनेटर के सम के इक्वल है, तो हम किसी भी एक को जीरो के बराबर लिख देंगे। तो ये हो गए हमारे 6 एप्लीकेशन शून्यम समुच्चय के। एक बार मैं रिपीट कर देता हूं, जो फर्स्ट एप्लीकेशन था उसमें क्या था, कॉमन फैक्टर क्या होना चाहिए, सेम, सार्वगुणनखंड समान होना चाहिए। अगर सार्वगुणनखंड समान होता है तो हम उसी सार्वगुणनखंड जो आता है हमारा, जो भी कॉमन आ रहा है, उसी को जीरो के बराबर लिख देंगे। सेकेंड वाला था कॉन्स्टेंट टर्म क्या होनी चाहिए, कॉन्स्टेंट टर्म शुड बी इक्वल इन बोथ साइड, दोनों तरफ की जो कॉन्स्टेंट टर्म है उन्हें हमें क्या कर देना है, अगर बराबर आती है, अचर पद दोनों तरफ के समान आते हैं तो एक्स बराबर जीरो। थर्ड जो एप्लीकेशन था वो इसके रिलेटेड था कि इक्वल के एक तरफ दो भिन्न आएंगी, दोनों के अंश समान होंगे तो हर का योग जीरो के बराबर। चौथा एप्लीकेशन था इक्वल के दोनों तरफ केवल दो फ्रैक्शन आएंगे, एक तरफ के वो दोनों तरफ के अंशों का योग और हरों का योग अगर समान होता है तो किसी भी एक को जीरो के बराबर लिख देंगे। फिफ्थ जो एप्लीकेशन है वो ये होता है कि अगर एक इक्वल के दोनों तरफ दो फ्रैक्शन आएंगे, दो क्या, एक इधर और एक इधर, दोनों फ्रैक्शन के अंश और हरों का अंतर, दोनों तरफ के अंश और हरों का अंतर अगर समान है तो किसी भी एक को जीरो के बराबर हमें लिख देना है, जो अंतर हमारा आ रहा है। ठीक है, जो डिफरेंस हमारा आ रहा है न्यूमरेटर एंड डेनोमिनेटर के बीच का जो डिफरेंस है उसको अपने को जीरो के इक्वल लिख देना है। लास्ट एप्लीकेशन आपको अभी ये समझा दी, क्योंकि इसमें चारों चारों के क्या है, न्यूमरेटर सेम है तो दोनों तरफ के डेनोमिनेटर के सम अगर इक्वल आते हैं तो किसी भी एक को जीरो के इक्वल लिख देना है। तो आज आपकी जो क्लास 10 की जो चैप्टर फर्स्ट में जो वैदिक मैथ है उसके सारे टॉपिक्स क्लियर हो चुके हैं। अब आपको एक्सरसाइज सॉल्व करनी है, और फिर अब नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे और फिर हम चैप्टर 6 स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।